गुड मॉर्निंग एवरीवन. टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट जनरल नॉलेज. आवर टॉपिक इज ओलंपिक्स नो हाउ. ओलंपिक क्या है, इस गेम में क्या रूल्स होते हैं, उसके बारे में हम इस ओलंपिक नो हाउ चैप्टर में पढ़ेंगे. ओलंपिक खेल गर्मियों और सर्दियों के खेलों की विशेषता वाला एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है. हमें नीचे उसके रिलेटेड क्वेश्चन के साथ 3 ऑप्शन दिया गया है, हमें सही आंसर में टिक करना है. ये हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, आज बाकी जो रह गया है नंबर उसके बारे में पढ़ेंगे. देखिए, इन विच ईयर वेयर द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हेल्ड. ऑप्शंस आर 1698, 1798, 1896. तो इसका सही आंसर है 1896. आप लोग इसमें एक बॉक्स बना देना और इसमें टिक करना. इसका मतलब है 1896 साल में फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम आयोजित किया गया था. नेक्स्ट नंबर 6, व्हाट डज IOC स्टैंड फॉर. ऑप्शंस आर इंडियन ओलंपिक कंपनी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कॉरपोरेशन. तो इसका सही आंसर है इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी. तो आप लोग इस सेकंड ऑप्शन में टिक करना. इसका मतलब है IOC किसके लिए स्टैंड करता है. इसका आंसर है इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी. इसका मतलब है IOC स्टैंड फॉर इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी. इसका मतलब है IOC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी. नेक्स्ट नंबर 7, Which team always marches the first at the opening ceremony of Olympic Games? इसका मतलब है ओलंपिक गेम में कौन सी टीम पहले सबसे हमेशा मार्चेस करती है. ऑप्शंस आर नंबर 1 पे दिया हुआ है ग्रीस, सेकंड में है होस्टिंग कंट्री, थर्ड में है लास्ट टॉपर कंट्री. तो इसका सही आंसर है ग्रीस. हमें ग्रीस में टिक करना है. मतलब ग्रीस टीम ओलंपिक गेम में सबसे पहले हमेशा मार्चेस करती है. नेक्स्ट नंबर 8, व्हिच टीम ऑलवेज मार्चेस द लास्ट एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ ओलंपिक्स गेम्स. इसका मतलब है ओलंपिक गेम में कौन सी टीम सबसे लास्ट में हमेशा मार्चेस करती है. ऑप्शंस आर नंबर 1 पर है ग्रीस, सेकंड में होस्टिंग कंट्री, थर्ड में है लास्ट टॉपर कंट्री. इसका सही आंसर है होस्टिंग कंट्री. तो हमें सेकंड में टिक करना है. इसका मतलब है होस्टिंग कंट्री ओलंपिक गेम में सबसे लास्ट मार्चेस करती है. उसके बाद देखिए थिंक एंड आंसर. हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल एट द ओलंपिक गेम्स. इसका मतलब है कौन से पहले भारतीय ओलंपिक गेम में व्यक्तिगत रूप से गोल्ड मेडल हासिल किए हैं. आंसर इज अभिनव बिंद्रा. इसका मतलब है अभिनव बिंद्रा सबसे पहले भारतीय हैं जो कि ओलंपिक गेम में व्यक्तिगत रूप से गोल्ड मेडल हासिल किए हैं. उसके बाद डिड यू नो टोक्यो विल होस्ट 2020 समर ओलंपिक एंड बीजिंग विल होस्ट 2022 विंटर ओलंपिक गेम्स. इसका मतलब है टोक्यो 2020 समर मीन्स गर्मी के महीने में ओलंपिक गेम को होस्ट करेगा और बीजिंग 2022 विंटर यानी कि सर्दियों में ओलंपिक गेम में होस्ट करेगा. तो ये था आज का चैप्टर ओलंपिक नो हाउ. आज का आपका होमवर्क है ये सारा क्वेश्चन आंसर मेरे को बुक पे करके दिखाना. थैंक यू.